ये गाइस एस्थेटिक मिस्टर एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो हमारी चेस्ट थिकनेस वर्कआउट से रिलेटेड थी और आज हम चेस्ट विड्थ वर्कआउट करेंगे और साथ में हम ट्राइसेप भी ट्रेन करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो अभी तक देखी नहीं है तो आप जाके देख लीजिए। चलिए मिलते हैं वीडियो के एंड में। गाइस सबसे पहले हम चेस्ट का वार्म अप करेंगे। इसमें हम स्लाइटली वाइड पुशअप्स के साथ 15-20 रेप्स लगाएंगे और साथ में हम लाइट वेट के साथ डंबल फ्लाई भी लगा सकते हैं। बाद हम ट्राइसेप का वार्म अप करेंगे। इसमें आप डायमंड पुशअप्स लगा सकते हैं 10-15 रेप्स या आप 20 तक भी जा सकते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी हमारी इंक्लाइंड बेंच पे डंबल फ्लाइज और उसके साथ हमारा सुपर सेट होगा स्कल क्रशर का। ध्यान रखें कि जो आपकी फ्लाइज होंगी उसमें आप लाइट वेट का यूज़ करिए और स्कल क्रशर में आप हैवी वेट का। फ्लाइज के आप 15 रैप्स तक लगा सकते हैं 12-15 और स्कल क्रशर के आप 8-10 रैप्स लगाएँ। बात का ध्यान रखिए कि आपकी जो फॉर्म है वो एकदम सही रहनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो एल्बोज़ को बहुत ज़्यादा डाउन लेके चले जाते हैं, इससे आपको फ्यूचर में रोटेटर कफ के इंजरीज के चांस बढ़ जाते हैं। आपको मीडियम तक नीचे लेके जाना है और साथ में ऊपर लाते टाइम फुल कॉन्ट्रैक्ट करना है जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ जो होने वाली है फ्लैट बेंच पे डंबल फ्लाइज जिसके साथ आपका सुपर सेट होने वाला है रोप ट्राइसेप पुश डाउन। जो अगली एक्सरसाइज है हमारी तीसरी एक्सरसाइज, उसमें आपका जॉइंट सेट होने वाला है। आप केबल क्रॉस लगाएंगे फ्रंट डाउन और उसके बाद आप सिंगल हैंड ट्राइसेप पुश डाउन लगाएंगे। ध्यान रखिए कि जब आप ट्राइसेप पुश डाउन करेंगे तो आपने स्टार्ट अपनी वीकर साइड से करना है। जैसे कि मेरा लेफ्ट साइड वीक है तो मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूँगा। केबल क्रॉस के आप 10 रैप्स मारेंगे दोनों साइड में 10+10 और साथ में जो आपका ट्राइसेप पुश डाउन होगा उसमें आप 8-10 रैप्स लगाएंगे। वेट ध्यान रखिए ट्राइसेप पुश डाउन में थोड़ा आप ज़्यादा रख सकते हैं। एक्सरसाइज होगी डिक्लाइन बेंच में डंबल फ्लाई और उसमें हमारा सुपर सेट होगा साथ में ओवरहेड केबल एक्सटेंशंस। एक्सरसाइज आपकी लास्ट एक्सरसाइज होगी, उसमें आप लगाएंगे अपर चेस्ट के लिए केबल फ्लाइज और साथ में आप सुपर सेट लगाएंगे सिंगल हैंड रोप किक पैक। ये आप केबल पे परफॉर्म करेंगे, इसकी जगह आप डंबल किक पैक भी कर सकते हैं।
अच्छा पंप मिला है हमें इस वर्कआउट से, आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपकी चेस्ट वीक है तो आप हफ्ते में 2 बार ट्रेन कर सकते हैं, और जो मैंने 2 अभी वर्कआउट शेड्यूल अपलोड किए हैं चेस्ट के, आप इसे ट्रेन कर सकते हैं 3 डेज़ के गैप में। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।